बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल वाली जो वीडियो, उसमें ये गाय के सारे पार्ट्स अलहदा किए थे, क्योंकि ये पार्ट्स हमें चाहिए कि हमने इनके इसे रिगिंग में यूज़ करना। तो ये किस तरीके के साथ काम करेंगे वहाँ पे जाके, आज हम ये देखेंगे इसकी रिगिंग होगी, इसमें हड्डियाँ वगैरह जो भी हैं वो लगेंगे। यहाँ से थोड़ा सा ये मैं कर लेता हूँ, ठीक। चले तो अब हम क्या काम करेंगे कि इसके इनके जो एक एक पार्ट हैं वो हम सेव कर लेते हैं। जिस तरीके के साथ हम इसके पार्ट्स सेव करेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे जाके ये लगेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कंट्रोल टी और रोटेट, ये ऐसे ही आएंगे उस जगह पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है कि सबसे पहले एक एक करके इनके सारे पार्ट्स जो है वो अलग अलग हम सेव कर लेते हैं। ये सारे जो आइज़ हैं इन्हें क्लोज़ कर लें। सिर्फ ये अभी फ़िलहाल ये ऊपर एक टांग है हमारे पास, तो इस टांग को हम यहाँ से सेव एज करते हैं। इसे करने हैं PNG में, हम यहाँ से कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक काओ का फोल्डर बना लिया हमने, यहाँ पे लिख देते हैं हम फ्रंट लेग। ये हमारी आगे वाली एक लेग होगी। अब इसे सेव करके, ये पीछे वाली एक लेग है, इसे बैक लेग के नाम से हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। बैक लेग। अच्छा जी, इसी तरीके के साथ ये हमारे पास ये वो आ गया हमारे पास। ये बायां कान हमारे पास यहाँ पे सेव हो गया, और इसके बाद आ गया हमारे पास हेड। अच्छा जी, यहाँ पे हम चलते हैं, हेड आ गया। हेड के बाद अब हम चले जाते हैं ये राइट ईयर। अच्छा जी, इसी तरीके के साथ हम ये हमारे पास बॉडी आ गई है, सेव एज कर लेते हैं यहाँ पे बॉडी। बॉडी के बाद अब हम चले जाते हैं फ्रंट लेग जो है दूसरी साइड की, मतलब ये राइट साइड की लेग आ गई हमारे पास। जो पहले वाली की थी वो लेफ्ट साइड की, लेकिन ये भी फ्रंट में ही आएगी, लेकिन ये फ्रंट लेग है, इसे राइट कर लेते हैं। राइट करने के बाद यहाँ से हमारे पास टेल आ गई है, इसे भी हम यहाँ से PNG में सेव कर लेते हैं टेल। और यहाँ पे बैक लेग है हमारे पास, लेकिन राइट साइड वाली है ये, ठीक है। इससे भी हम बैक, ये फ्रंट टैग या फिर बैक टैग राइट वाली। अच्छा जी, यहाँ पे ये सारे के सारे हमारे पास आ गए हैं। अब हम यहाँ से आ जाते हैं कार्टून एनिमेटर 4 में। यहाँ पे ये वाला वो घोड़ा था जिसे हमने सेलेक्ट किया था इस काम के लिए। ये हालांकि गाय के साथ इतना मैच नहीं खा रहा, लेकिन इसके बावजूद भी ये हड्डियों का एक हिसाब किताब है। इसकी टांगें नीचे से बारीक की हुई हैं, छोटी की अलग। नेचुरल घोड़ा ऐसा नहीं होता, अगर तो वो नेचुरल घोड़ा होता तो फिर तो 100% ठीक था, इतना ज़्यादा इशू नहीं था। लेकिन अभी ये क्या है, यहाँ पे सीन है। ठहरें एक मिनट, इसकी यहाँ से मैं दोबारा कर लेता हूँ। उसकी एक हड्डी जो है शायद कल कहीं मेरे से ही आगे पीछे हो गई है, अब ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या काम करना कि ये इसकी हड्डियाँ सारी के सारी। अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये इसके हिप्स की हड्डी है, ठीक है। ये दो ऊपर की तरफ जा रही है, जो इसकी एक दुम को कंट्रोल कर रही है, और दूसरी ये बाकी जो चीज़ें हैं इसे कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इसे ब्लू हो गई। अगर तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तब भी वही बात, अगर इस बटन पे क्लिक करेंगे तब भी वही बात है। तो यहाँ पे आपके पास जो फुल बॉडी है वो आप ले आए। अच्छा, इसे अभी यहाँ पे इतना आपको
फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई ये बैक पे चली जाएगी इतनी ख़ास आपको साफ़ नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम अंदाज़न रख लिए हमने, हम जैसे ये घोड़ा सारा गायब होगा फिर हम बाद में हर एक इमेज को फिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ कौन सा किधर रखना है। अच्छा ये यहाँ पे आ गई है, ये बता रहा है यहाँ पे ये वाली राइट है, दूसरी साइड की टांग है मतलब राइट साइड की, और ये है लेफ्ट साइड की। जो इस साइड पे ये नज़र आ रही है ये सारी ये लेफ्ट में है। तो यहाँ पे लेफ्ट हमने एक टांग हमने रखी तो थी ये वाली, नहीं ये तो फ्रंट है, ये बैक वाली जो है ये हमने लेफ्ट बना कर रखी थी। अब इसे भी यहाँ से हम थोड़ा सा कर लेंगे बड़ा ऐसे, और इसे ला के यहाँ पे हम अंदाज़न रख रहे हैं, ठीक है। बाद में सारी सेटिंग हम टाइम के साथ, जैसे ये घोड़ा सारा गायब होगा तो यहाँ पे हम दूसरी यहाँ पे ला के हर चीज़ रख लेंगे, सुकून से फिट कर लेंगे कि बॉडी हमें कितनी चाहिए या हर चीज़ हमें कितनी चाहिए। फ़िलहाल आपने इस घोड़े की जगह पे इसे थोड़ा सा बड़ा कर ले ऐसे, यहाँ पे ऐसे अंदाजे के साथ रखते जाए। अच्छा इसके बाद हम आ जाते हैं फ्रंट वाली टांग की तरफ। ये फ्रंट के जो सिंपल हमने फ्रंट वाली टांग इधर लिखी तेर रखी थी इधर, ये फ्रंट लाइन ठीक है। ये वाली हमारी है फ्रंट लेग। इस चीज़ की अभी आप टेंशन ना ले कौन सी चीज़ किधर जा रही है, बस फिलहाल इस घोड़े को किसी तरफ करते हैं। अब ये दूसरी साइड की है, इसे ले आते हैं। ऐसे और इसे ला के इधर रख लिया। अच्छा यहाँ पे ये हमारे मामलात सारे हो गए, यहाँ तक ये सारे के सारे। ये नेक का आ गई है तो ये हेड की है, ठीक है। यहाँ पे इसका सर लगेगा ऐसे, इसे उठा के हेड वाली जगह ये बनती है, लेकिन हम हेड को उसी जगह पे रखेंगे जिस जगह पे हेड ने लगना है, ठीक है। तो ये हड्डियाँ भी छोटी करनी पड़ेंगी हमें, पीछे करने पड़ेगा सारा कुछ, तो वो हम देख लेंगे साथ ही कि वो किस तरीके के साथ हम एडजस्ट करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे ये सारा होगा, टोटल हो गया। ये जो हड्डी ये वाली थी, इसका जो ये गर्दन है ये हमने बनाई नहीं थी ये वाली। अगर तो हम यहाँ से यहाँ पे इधर से ले के इधर तक एक हिस्सा बना लेते तो वो सबसे बेहतर था, लेकिन हमने थोड़ा सा उसे टाइम को बचाने के लिए यह हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन उससे क्या फ़ायदा होता क्या नुकसान होता वो भी आपको समझ लग जाएगी इस चीज़ की, कि इससे क्या बेनिफिट होता और क्या नहीं होता। अच्छा यहाँ पे यह सर भी लग गया, सर लगने के बाद कान है ऊपर, कान जब हड्डी नीचे आएगी तो तब कान भी ले आएंगे। उससे पहले अब हमारा ये काम है कि हम ये सारे के सारे जो गाय है इसे ज़रा फिट कर लें इसके हिसाब से कि कहाँ पे क्या आना है और क्या नहीं आना, ठीक है। अच्छा जी इसे साइड पे करें, अब आ जाते हैं हम इस साइड पे। गाय की बॉडी अगर हम सेटिस्फाइड है कि इतनी हमें बॉडी इसकी काफ़ी है तो फिर ठीक है, इतनी ये मोटी ताज़ी चाहिए तो ठीक है। हम यहाँ पे इसकी ये वाली जो टांग है इसे आपने अच्छे तरीके के साथ जहाँ पे आपको लगता है कि ये आएगी इस जगह पे हम इसे यहाँ पे लगा दिया। अब ऐसे ही हम दूसरी की तरफ चले जाते हैं, दूसरी को भी ऐसे पीछे की तरफ हम यहाँ पे इतने फ़र्क से हमने दूसरी पे लगा दी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसे भी हमने यहाँ पे इस जगह पे फिक्स कर देना इस जगह पे, और ऐसे ही पीछे वाली साइड पे आ जाते हैं, इसे भी इस जगह पे हमने
यहाँ पे इसे भी हमने फिट कर दिया। अब इसके फेस की तरफ आ जाए, फेस आप देख लेंगे किस जगह पे आपको लगता है। यहाँ पे आपको ये अगर कोई इशू हुआ तो यहाँ से आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी चीज़ किस जगह पे आती है। ठीक है, तो ठहर जाए ये, तो यहाँ पे इस जगह पे ये ठीक लग रहा है। बेसिकली तो इसके जो बेल की एक जगह बनी हुई थी वो भी इस जगह पे अभी हम फिट नहीं कर रहे, फिलहाल हम ये बाकी मामला जो है ये ठीक कर लें। अच्छा, इसके बाद अब क्या हमारे पास आ गया है, ये पीछे वाला हिस्सा है या आगे वाला हिस्सा है, ये हड्डी जो है इसे अगर हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ से अच्छा जी, यहाँ पे ये चीज़ आपने देख ली इसकी, इसे आप थोड़ा सा ऊंचा भी कर सकते हैं इस जगह से। इस जगह पर रख के यहाँ पे ये दो हड्डियाँ इनके हिसाब से हमने इसे फिट करना है, तो इसे थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेते हैं क्योंकि ये इधर से इधर और इधर ऑटोमेटिकली वो अपनी सेटिंग कर जाएंगे। अच्छा, अब आगे इस जगह पे, अब इस जगह पे बेसिकली जो इशू है कि यहाँ पे हड्डियाँ हैं एक और दो, ये दोनों नेक की हैं, हमने इन हड्डियों को छोटा करके इस जगह पे फिट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऐसे आप इसे छोटा कर लें, छोटा करने के बाद इसे रोटेट करें इस तरफ। ठीक है, और अगर तो आप इसे रोटेट करते हैं ना इस चीज़ को, ये बेसिकली वो हड्डी का एक सारा इसके साथ सिस्टम है टोटली ये, तो यहाँ से इसकी गर्दन ने नीचे बेंड होना शुरू होना इस जगह से, क्योंकि ये नेक की हड्डी तो यही बनती है ना यहाँ पे, ये इसकी नेक की हड्डी नहीं है, ये इसकी स्पाइन है। ठीक है, तो हड्डी ये है नेक की, तो इसे यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये अब नेक में जा रहा है सारा कुछ, ये भी और इससे आगे वाली जो हड्डी है वो भी नेक में जा रही है, तो इन हड्डियों को हम छोटा करेंगे यहाँ से, ये हड्डियाँ ज़्यादा बड़ी हैं। ये घोड़े की बेसिकली गर्दन लंबी होती है और गाय इस बेचारी की कितनी होगी, लेकिन गाय की भी इतनी छोटी तो नहीं होती, लेकिन ये कार्टून गाय है फिर इसकी तो छोटी ही उनकी हुई है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसे करीब कर लेते हैं और देखते हैं, ये भी वो नेक में गिन रहा है लेकिन इस जगह पे ये हेड की है, हेड वाली जो है ये हेड वाली, इसे थोड़ी बड़ा कर लें ताकि नज़र आती रहे कि ये किधर क्या कर रही है, ये हेड की है। ठीक है, अब इसके पीछे पीछे यहाँ तक जो है वो गर्दन में गिनेगा इसे। ठीक है, उसे आगे जो है वो सर में उसे गिनेगा, तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है इन चीज़ों को, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक के लिए हर चीज़ को अगर आप अभी फोकस करेंगे तो आगे प्रोफेशनल होने में फिर आपको टेंशन नहीं होगी, लेकिन अगर अभी आपने पूरा ध्यान ना दिया इन चीज़ों के ऊपर तो बाद में प्रोफेशनल के वक्त आपको मसले मसाइल हो सकते हैं। यहाँ पे इसे सीधा कर लिया हमने, ये हमारी लेफ़्ट है और ये हमारी राइट है, राइट जो है ये वाली टांग बनती है और लेफ़्ट जो है वो ये वाली टांग बनती है, तो हम यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आ जाना। अब यहाँ पे क्या काम करना है कि ये वाला जोड़ जो है इसे उठा के इसके इस जगह पे हमने फिट करना, और ये वाला जो है इसका इसे इस जगह पे और इसे यहाँ से घुमा के पाँव के एंड तक ले जाते हैं।
इधर और यहाँ से इधर और यहाँ से इधर हमने लगा लिया। अब इसे थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेते हैं ऐसे, और बेसिकली इसका जोड़ जो है ये वाला है, ये हाँ ये है, इसे उठा के इधर ले आए और इसे उठा के इस जगह पे और इसे यहाँ से रोटेट कर ले। ये ज़रूरी नहीं होता कि जिस वक्त आपने पूरी रिगिंग कर ली है तो उसमें कुछ कमी पेशी नहीं रहेगी, तो अगर ऐसा होता है तो आप दोबारा फिर एडिट करके उसे फिर से कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे आपको बेहतर लगता है। ये तो टाइम के हिसाब से होता है सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा उसकी दुम में नहीं लगाई, वाह दुम घोड़े की चल रही है अभी तक। अच्छा ए आपने ये वाली इसकी तुम की यहाँ पे इसे एडिट करें, ये दुम तो यहाँ पे ये दुम आ गई हमारे पास। चले जी यहाँ पे हम रख लेते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं और थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं और ये जगह पे हम इसे रख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या काम हमने करना है कि अगर अच्छा जी यहाँ पे ऐसे इसी तरीके के साथ हमने करते जाना है इसे, थोड़ी सेटिंग में रख के इसे इस तरीके के साथ इस बोन को थोड़ा छोटा करें, ये ज़्यादा ओवर जा रही है, और इसे यहाँ से थोड़ा छोटा और इसे यहाँ से थोड़ा बड़ा कर ले ऐसा। चले जी अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है कि इतना हमारे पास हो गया, अब हम फ़िलहाल इसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, फिर बाकी मामला हम बाद में चेक करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ ऊंच नीच है तो हम इसे अभी यहाँ पे ये इसके कान हैं घोड़े के, अभी इसको हम देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एनिमेशन में आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें हमारे पास किधर है, और हॉर्स ये हमारे पास हॉर्स है और यहाँ पे देखते हैं हॉर्स क्या प्ले करते हैं, देखें बेसिकली उसकी दुम जो है वो एनिमेट कर रही है, फेस जो है आप उसका देखेंगे। मैं इसकी थोड़ी सी एनिमेशन बढ़ा देता हूँ ताकि बार बार जो चीज़ हो रही है उसका हमें सही से पता चल सके। देखें उसका सर जो है प्रॉपरली हिल रहा है, टांग जो है उसकी प्रॉपरली है, ये देखें यह जहाँ पे हमने एक बैंड सा बनाया हुआ था इसका वो उसका नज़र आ रहा है, दुम उसकी प्रॉपरली हिल रही है, ठीक है इस तरीके के साथ। अच्छा अब हम दोबारा चलते हैं, आप इसके कानों का कुछ करते हैं। कानों के लिए अब हम थोड़ा करीब चले जाते हैं और देखते हैं कि कानों की हड्डियों में कौन कौन सी हड्डी इधर हमारे पास मौजूद है। ये हेड है, हेड के बाद ये कानों की हड्डियाँ, तो ये हमारे पास लेफ़्ट वाला जो इस साइड पे आएगा और राइट वाला जो इस साइड पे जाएगा, तो लेफ़्ट वाला जो है अगर तो हम इसे यहाँ से थोड़ा सा ठहरे अब यहाँ से इसे मोड़ लें क्यों कान इसका इस साइड पर लगना, तो फिर हड्डी भी इसी तरफ ही जाएगी जाहिर है इस तरफ को, ठीक है। और
यहाँ पे पहले ये देखें कि इसके कान कर क्या रहे हैं। ये कान की फर्स्ट और सेकंड है, इसे खोल ले। और यहाँ पे जो इधर वाला कान है ये राइट वाला है, और ये लेफ्ट वाला जो कान है इसे ले आए आप। अब कान जो है वो ऊपर चढ़ गया होगा, तो इसे फिलहाल ऊपर से नीचे उतारने के लिए हम यहाँ से पकड़ के यहाँ ले आते हैं और कान को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, इस हिसाब से। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा लग रहा है मुझे तो। यहाँ से मैं इधर ले आता हूँ। इधर लाने के बाद अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इस तरफ। इस हड्डी को भी बड़ा करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, और यहाँ से ऐसे इस तरफ, और इस हड्डी को फिलहाल इसका अब आ गया राइट, राइट वाला कान इधर आ गया जी। वो भी ऊपर गया होगा उसी जगह पे। इसे पकड़ कर ला इधर आ, इधर इस जगह पे ये आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये इस जगह पे आ जाएगा। इस जगह पे मेरे ख्याल में इसमें आना, यहाँ पे बून इसकी नीचे की तरफ करें ऐसे, और थोड़ा सा बड़ा कर लें इसे कि ये कान के यहाँ से इसे ऊपर की तरफ चढ़ा दें ऐसे। चलें जी, अब देखते हैं क्या किया हमने। यहाँ पे ये हमारे पार्ट्स जितने भी थे सारे के सारे रिग हो चुके हैं, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि अब हमने क्या काम किया। अगर तो ये सारी टोटल रिग सही से हो गई है, तो आंखों की जो ब्लिंकिंग है वो आपको मैं पहले से वो बता चुका हूँ, जैसे वो चिड़िया की हुई थी वैसे ही होगी। बिगनर में वो सेम वैसे ही होती है, लेकिन उसके बाद जिस वक्त हम प्रोफेशनल में जाते हैं, तो प्रोफेशनल में इन चीज़ों का हिसाब किताब थोड़ा सा चेंज होता है। वो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, उसके लिए फिर हमें और जगहों पर जाना पड़ता है, वो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोफेशनल की तरफ जाएंगे, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले इसकी ये टांग की हड्डियाँ गलत लगी हुई हैं, ये ठीक कर लेते हैं। ये हड्डी गलत है, ये देख, यहाँ पे लगनी है, और ये वाली भी थोड़ी सी यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, बाकी इसकी सारी हड्डियाँ आप चेक कर लें। अगर आपको लगता है किसी जगह पे आपसे गलत हुआ, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, दोबारा से फिर हो जाएगा। एक दफ़ा लगा के देख लें, दो दफ़ा लगा के देख लें, जैसे आपको बेहतर लगता है आप कर लें। अच्छा, यहाँ पे हम दोबारा चलते हैं, एनिमेशन परफॉर्म। तो ठीक है जी, अब उसके साथ उसके कान भी हैं, वो भी एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे मूव है, मूव में देख लेते हैं, हमारे पास वॉक,
ठीक है जी, यहाँ पे बैक चलते हैं और वाक की जो एनिमेशन है उसे हम थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये बीच में थोड़ा सा कट दे रहा है तो हम बाद में कोई दूसरी लगा लेंगे, लेकिन ठहरे हैं 1 मिनट। ये देख रहे थे ये देख, ये टांग इसकी हिल रही है, कान साथ में हिल रहे हैं, ये चीज़ें हैं। मतलब इस हिसाब के साथ आप ये प्रॉपरली सारा काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे प्रोफेशनल की तरफ, आपको हर चीज़ की प्रॉपर समझ लगती जाएगी।